जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा ने पास किया। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐलान के बाद पहली बार सामने आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, कहा वो नजरबंद हैं, गृहमंत्री ने संसद में झूठ बोला है। अनुच्छेद 370 को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बोले, कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाएंगे। कश्मीर पर तनाव के बीच इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान से कहा, भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई जाए। घरों और हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की बकर ईद पर कुर्बानी के लिए जारी बीएमसी के परमिट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई। बीएमसी ने 7000 परमिट जारी किए थे। आवारा पशुओं की चुनौती से जूझ रही योगी सरकार ने बेसहारा गौवंश योजना शुरू की। आवारा पशुओं को पालने वालों को हर दिन 30 रुपए का भत्ता मिलेगा। उन्नाव की रेप पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। कुलदीप सिंह सेंगर समेत दोनों आरोपियों को पेशी के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया। और फंसी हुई सैलरी के लिए जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया।